नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौर, ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो हम इसमें स्कॉर्पियो, पहले आपकी और अपने आपके पार्टनर की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम और गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके प्रति क्या है। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ? स्कॉर्पियो के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? 8 ऑफ वंड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं, कुछ केसेस में वो मान सकते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा नहीं पा रहे हैं और फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां, जो बर्डन अगर वन बाय वन करके शेयर करते हैं, इनको बांट लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुछ केसेस में रिश्ता आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि जिम्मेदारियाँ उनके लिए बर्डन बोझ बन गई हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। और ये जो है स्कॉर्पियो के लिए भी महसूस कर सकते हैं, या फिर जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा फील किया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ सोर्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर स्कॉर्पियो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया था, बोझ बन गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि फिजिकली और मेंटली वो इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अगर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन जिम्मेदारियों को, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या जो रिश्ते नाते हैं जो उन्हें बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, चाहे वो अपने हैं या बाहर के हैं, या फिर कोई जॉब बिजनेस है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनकी लाइफ में, तो अगर उनको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बदल देते हैं या फिर चेंज करते हैं, और तो जो है वो दुख के बादल उनके छट जाएंगे, वो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें उनकी ख़त्म होंगी, और धीरे धीरे करके प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ अगर पास्ट वाली हिस्ट्री को, पास्ट वाले दिनों को दोहराएंगे, जो दिन उन्हें खुशी देते थे, उनसे इंजॉयमेंट होता था, उनको लगता था कि ये रिश्ता उनके लिए परफेक्ट है, सही है, उन दिनों को याद करते हुए, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हुए अगर रिकॉन्सिलेशन करेंगे, और इस रिश्ते में जो है ये जो इमैच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत शुरू से शुरू करेंगे, यानी कि पुरानी बातों को बुलाते हुए जो बर्डन बोझ लग रहा था वो सारा ख़त्म होगा, और एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई नई सोच के साथ उनके साथ घूमना फिरना होगा, डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे, उनके साथ पार्टीज़ वगैरह करेंगे, खाना खाएंगे या सेलिब्रेशन करेंगे, जहाँ भी उन्हें एक अच्छी वाइब्स आती है, अच्छी खुशी मिलती है, वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इस रिश्ते को एक नई सोच के साथ, एक नई तरंग के साथ शुरू करेंगे। तो ये जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, वही एक नया मोड, नया अंजाम ले सकता है, यानी कि ये बोझ उनके लिए खुशियां बन सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर वो उनके स्कॉर्पियो अगर चाहें तो उनको करना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है कि जो उनके पर्सन हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों को वो आगे बढ़ाएं और इस जो है इस बर्डन को बोझ ना मानते हुए वो एक दूसरे के साथ वन बाय वन करके शेयर करें, तो ये चीज़ें जो है कामयाब हो सकती हैं। ऐसा उन्हें करना चाहिए, ऐसा उन्हें सोचना चाहिए, ऐसा वो अपने स्कॉर्पियो के लिए भी सोच सकते हैं और जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी सोचा जा सकता है। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या फील कर रहे हैं।
आपके फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्कॉर्पियो आप अभी कंफ्यूजन में हैं, अभी आप क्रॉस मार्क पर हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि या तो कभी आपका मन हो रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी आपका मन हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया, बोझ बन गया है, तो इस रिश्ते को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, या फिर जो है आपके पर्सन जो है वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि इस कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर निकलना चाहिए, तभी आपको आर या पार हो सकते हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स को। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। जी, तो स्कॉर्पियो आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपको एक तरफा लग रहा है कि इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के साथ एडिक्शन भी है। तो आपको और एक तरफ मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि आपको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से भले ही एडिक्शन है, लस्ट है, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। प्यार के साथ साथ जो भी एडिक्शन है, तो आप सोच रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को चाहिए कि इसमें समय रहते वो डिसीजन ले, बजाय के इधर उधर भटकने के, बजाय के परेशानी और दुविधा में रहने के, अगर आमने सामने बैठेंगे और आमने सामने इस चीज़ का खुलासा करेंगे, जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सारे के लिए सिकवे ख़त्म होंगे और फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जो है आप महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को या तो उनकी तरफ इस रिश्ते को अधर में लटका कर उन्हें नहीं रखना चाहिए, या तो उन्हें उस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर नए सिरे से शुरू करना चाहिए। जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट प्रॉब्लम है, उन्हें ख़त्म करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए शुरू से शुरू इस रिश्ते को कर देना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके और ये रिश्ता फेमस हो सके, नेम और फेम कमा सके, और उन्हें अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, या फिर स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि आप अगर लव ऑफर लेकर जाएंगे तो जो है ये गिले सिकवे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए अगर आप खोलते हुए आपको चाहिए कि या तो आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाए। देखते हैं स्कॉर्पियो के आपके जो पार्टनर है, यानी कि जो आपके पर्सन है, वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहें, कॉल्ड ना रहें, आप चुप और खामोश ना रहें, बल्कि एक तरफ की बातें ना सोचें, एक तरफा डिसीजन ना लें, बल्कि इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें, दोनों पक्षों की बात सुने, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए ही आप इसमें कोई डिसीजन लें। अगर दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तो जो है जो गिले सिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगे और कुछ भी आगे बढ़ने में या ख़त्म होने में मदद मिलेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन ने जो है वो इस रिश्ते में आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी दूरियां बनी हैं, जो भी रुकावटें आई हैं, जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ जो रिश्ता रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से बन रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी शुरू हो रहा है,
तो इस तरह का जो सिचुएशन रही है तो ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इनको, आप उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन आप लोगों पर विश्वास करना सीखें। इतना विश्वास ज़रूर करें कि ये रिश्ता जो है फिर से एक हो सके, और इसमें सडनली आप कोई भी डिसीज़न ना लें, परिवार की इसमें परिवार की मदद लें, उनकी हेल्प लें या बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें, और उनसे सलाह मशवरा करके दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आप इसमें डिसीजन लें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हों और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें डिटैच ना रहें, आप एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करें, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ें और इसमें डिसीजन लें। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इसमें आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें अपने परिवार की, फैमिली की या बड़े बुजुर्गों की या नॉन पर्सन की किसी की भी मदद लें, हेल्प लें, और हेल्प लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि अगर किसी की हेल्प या मदद लेने से कोई काम आगे बढ़ता है तो उसमें कोई शर्म लिहाज नहीं होनी चाहिए, उसमें हेल्प ले लेनी चाहिए। ऐसा आप चाहते हैं कि वो मदद लेकर तभी वो आगे बढ़े, ताकि हर चीज़ से वो परेशानी से, दुविधा से बाहर निकल सके। क्लैरिफाई करते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम में है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्रॉस मार्क पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ अपनी इंट्यूशन पावर कर इस्तेमाल करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए कुछ चीज़ों को उन पर छोड़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जब तक आपके पर्सन इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेकर, मदद लेकर इस आगे बढ़ते हैं, तब तक आपको चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए और विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि परिवार और फैमिली की मदद लेकर, उनकी सलाह मशवरा करके ही इस जो भी डिसाइड हो उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलें, और इसमें डिसाइड करें कि इस रिश्ते में वापस आना है या नहीं आना है, और इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करें। जब तक वो इस वाद विवाद लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आते हैं, तब तक आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपना हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, और आप सही समय वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई बात राज मिस्ट्री जानते भी हैं तो कि जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता तब तक चुप रहने में ही भलाई है। चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं करते और समझदारी के साथ एक्शन लेते हैं, तो जो है आपका जो दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी, और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और अगर आप माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, तो जो है ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम मैनिपुलेशन खेले जा रहे थे, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही थी, स्कॉर्पियो की या तो उनके पर्सन की जो ईगो हर्ट हो रही थी, तो उन्हें उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि अभी जो है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जो ये लक उनका साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड जो उनका आ रहा है, ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी छल कपट के वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं तो भले ही चाहे उनकी अहम जीत जाएगा, उनका ईगो जीत जाएगी, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए जो लकी पीरियड आ रहा है, समझदारी के साथ वो इसमें बुद्धिमानी के साथ इसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ताकि जो भी इसमें किसी की भी ईगो हर्ट हुई है, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बाहर हो सके, जो चीटिंग हुई है, जो धोखाधड़ी, जो छल कपट हुआ है, उन चीज़ों से बाहर आते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और लक भी उनका साथ देता नजर आ रहा है। लकी समय जो है उनका आ रहा है, लकी पीरियड, और वो उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है, इसका आउटकम बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या चाहते हैं, उनकी गाइडेंस क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ जो ट्रूथ बाहर आ रहा है, जो सच्चाई बाहर आ रही है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए, जो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड आपका जो आ गया है, उसको अगर अच्छे समय में यूटिलाइज करेंगे, जो ये लकी समय है आपका 10 दिन से लेकर 10 हफ्ते तक, यानी कि 3-4 महीने तक का चल सकता है, तो 10 दिन के बाद धीरे धीरे करके समय जो है आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा, और आप उसको यूटिलाइज अगर अच्छे कामों में लगाएंगे तो आपका समय बदल सकता है, आपका लकी समय आपका साथ दे सकता है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं समय को, और एक दूसरे के साथ टी पार्टी, चाय पार्टी या कॉफ़ी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह शेयर करते हैं, एक दूसरे की सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो आपके गिले शिकवे दूर होंगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, चीयरफुल होगा और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, और जो चीटिंग फ्रेम है ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ही समय का सदउपयोग करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय आपका साथ देगा, वक्त आपका साथ देगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जब तक नई वीडियो बनाते हैं तब तक वीडियोज़ एंजॉय कीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।